आती है समंदर की लहर, देखिए ये तेज लहर आई। व्यू आते हैं तो आप गंगेश्वर महादेव मंदिर जरूर आइएगा। मेरे पीछे जो ये आप मंदिर देख रहे हैं बोर्ड, ये दरअसल गंगेश्वर महादेव मंदिर का बोर्ड है। और ये जगह अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, खास दो लिहाज से। समंदर की लहरों के बीच में यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, और दूसरा ये है कि इसका पौराणिक इतिहास जो है वो बहुत शानदार है। ये बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में जा रहे थे तो यहीं से होकर वो गुजरे थे, और क्योंकि उस वक्त यहाँ पर कोई शिव मंदिर मौजूद नहीं था तो पांडवों की तरफ से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना की गई। यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया गया और इसका नाम है गंगेश्वर महादेव मंदिर। मारती समंदर की लहरों के बीच में यहाँ पर एक गंगेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है, और पीछे आप देख सकते हैं कि समंदर की लहरें जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर उफान मार रही हैं। ये समंदर की लहरों का शोर जो है वो भी आपको सुनाई पड़ रहा है, और ये गंगेश्वर महादेव मंदिर का मार्ग है। तो आइए चलते हैं यहाँ से। और आप तो ये यहाँ नंदी मौजूद हैं, और नंदी के अलावा ये देखिए, तो ये है गंगेश्वर महादेव मंदिर। तो गंगेश्वर महादेव मंदिर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आपको 5 शिवलिंग नजर आ रहे हैं। देखिए समंदर की लहरों के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 शिवलिंग जो है दरअसल ये पांडवों ने स्थापित की थी अपने अपने खत के हिसाब से। ये बड़ी वाली शिवलिंग जो है बताया जाता है कि भीम की है, क्योंकि उन्हें खत बड़ा था और अपने अपने खत के हिसाब से है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए समंदर की लहरें यहाँ पर आती हैं, यहाँ टकराती हैं, और इन शिवलिंग से टकराने के बाद वो यहाँ से वापस लौट जाती हैं। मानो ऐसा लग रहा हो कि बार बार भगवान भोलेनाथ को वो स्नान करा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देखिए, ये समंदर की लहर देखिए, ये तेज लहर आई और यहाँ पर लहर की उसके बाद यहाँ से वापस लौट गई। तो भगवान का स्नान जो है वो लगातार चल रहा है, और ये दृश्य जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मनोरक है, बहुत मनमोहक है। और ये तस्वीर आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे आमतौर पर शिवलिंग और एक साथ 5 शिवलिंग और ये समंदर की लहरें यकीन मानिए रोमांचित करने वाली है। इसलिए अगर आप दीव आते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आइए, क्योंकि ये जगह जो है बहुत ऐतिहासिक है, खूबसूरत है, और धार्मिक लिहाज से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो भगवान भोलेनाथ से हम आशीर्वाद लेते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर आप दीव आने का प्लान करते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आइए, क्योंकि ये जो लहर आने वाली है पहाड़ों के बीच में से, देखिए ये आपको रोमांचित कर देगी।